सरकार द्वारा युवाओं के लिए लागू की गई अग्निवीर योजना को लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे विरोध पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी केएस चौहान ने इस योजना को सटीक और अच्छी बताते हुए कहा कि इस योजना को सेना के प्रमुखों, बहुत सारे विशेषज्ञों, अनुभवी लोगों व आईएएस अधिकारियों ने काफी विचार विमर्श कर बनाया है। केएस चौहान ने अग्निवीर योजना को लेकर लोगों द्वारा तरह तरह की भ्रांतियां फैलाने का आरोप लगाते हुए अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। दोस्तों, अग्निवीर योजना को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। ये योजना बहुत ज्यादा सटीक है, बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसे सेना के प्रमुखों ने, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, अनुभवी लोगों ने, आईएएस ऑफिसर्स ने, ये पूरी टीम बन के इस योजना को बनाया है। उसके बाद ये योजना लॉन्च हुई है, बहुत सारे लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद कि देश के लिए क्या सही है, आम जनता के लिए क्या सही है, इस वजह से। और इसके प्रमुख तीन कारण जिसके कारण अपने को ये योजना में जाना चाहिए वो है कि कोई भी आपको जो पढ़ाई है या कोई भी कोर्स है वो जॉब की गारंटी नहीं देता, और लाखों रुपए हमारा लग भी जाता है, लेकिन इसमें आप 4 साल अगर आप यहाँ पर देते हैं तो 25% आगे परमानेंट होने की गारंटी है, प्लस जो 75% लोग बाहर आएंगे वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं, और 11,71,000 उनको जो 4 साल है उसके बाद मिलेगा। 11,71,000 के एवज में आप 18 लाख रुपए का लोन भी ले सकते हैं, और पर मंथ जो सैलरी मिलेगी वो अलग है। दूसरी बात यह है कि और ये पूरे भारत में सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो 25 साल की उम्र के आसपास हैं जिनके पास 11,71,000 रुपए होता है। दूसरा, आप ऐसा करके अपने देश को और अपने आप को देश के काम आ सकते हैं और देश को सुदृढ़ बना सकते हैं, क्योंकि कारगिल युद्ध के बाद सुब्रमण्यम रिपोर्ट के हिसाब से हमारी जो भारत की सेना है उसमें यंग लोगों की और ज्यादा आवश्यकता है, तो एवरेज जो एज है वो घटाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम अपने देश के काम आ सकते हैं, देश को सुदृढ़ बना सकते हैं। तीसरी बात, इसमें कोई भी पढ़ाई का लॉस नहीं होगा, आप वहां पर भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जो भी सब्जेक्ट है वो वहां पर भी पढ़ाया जाएगा। सबसे मेन बात यह है कि ये सब चीजों को देख के आप और नॉलेज इकट्ठा करें उसकी ऑफिशियल साइट में जाके, योजनावीर ऑफिशियल साइट में जाएं, वहां पर से नॉलेज लें, डिस्कस करें अपने गुरु से, अपने कंसल्टेंट से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से, उसके बाद जाके निष्कर्ष निकालें, क्योंकि हर एक आदमी की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। हो सकता है कि किसी को ज्यादा फायदा हो और हो सकता है किसी को कम फायदा हो सकता है दोनों को फायदा भी हो, नुकसान भी हो या ना हो, तो हर एक आदमी की परिस्थिति अलग रहती है। अपनी परिस्थिति के हिसाब से हमें इस अग्निवीर योजना में जाना है या नहीं जाना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम किसी भी पार्टी, किसी भी और जो नेता है या मंत्री है या संतरी है, किसी की बातों में ना आए, हम खुद अपना विवेक लें और अपने गुरुओं से सलाह लें, उसके बाद ये योजना आपके पास जानी है नहीं जानी है उसका चयन करें।